नमस्कार, आप देख रहे हैं बिकाना न्यूज। मैं हूं आभा सोनी और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पावर प्लांट की डिग्गी में डूबने से युवक की मौत, परिजनों को 16 लाख रुपए दी गई मुआवजा राशि। श्री गंगानगर के 11 जी गांव के गुरुद्वारे में लगी आग से आसपास के लोगों में रोष, पुलिस कर रही है पूछताछ। और दुष्कर्म मामले में निहाल चंद नहीं हुए पेश, कोर्ट ने निर्धारित की आगामी तिथि। और अब खबरें विस्तार से। सूरतगढ़ के थर्मल पावर स्टेशन की डिग्गी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जिसे लेकर परिजनों ने हंगामा कर दिया और धरने पर बैठ गए। यह हादसा गुरुवार की सुबह करीब 7:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि युवक यहां काम करता था और सुबह यहां की डिग्गी के पास शौच के लिए आया था। जब युवक काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटा तो उसके साथ काम करने वाले लोग डिग्गी के पास पहुंचे, जहां युवक का शव पानी पर तैर रहा था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और घर वालों को सूचित किया। जब मृतक के परिजन यहां पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को शव ले जाने से मना कर दिया और लोगों के साथ यहां धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पावर प्लांट की तरफ से मृतक के परिजनों को 16 लाख रुपए दिए गए और परिजन मान गए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया। अभी तक युवक की मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मृतक पीलीबंगा का रहने वाला था और यहाँ काम करता था। छात्र संघ चुनावों को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। जगह जगह कॉलेजों के आगे तैनात पुलिस जाब्ता इसका उदाहरण है, जो साफ साफ देखा जा सकता है। खासतौर पर संगरिया में हुई घटना के बाद प्रशासन और भी सतर्क हो गया है। हर तरफ चौकसी बढ़ा दी गई है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस कॉलेजों में निरीक्षण कर रही है। पुलिस प्रशासन ने शहर में नाकाबंदी कर रखी है और आने जाने वाले वाहनों की जांच कर रही है। साथ ही बेवजह वाहनों पर इधर उधर घूमने वालों की जांच कर उनका चालान भी काट रही है, जिससे किसी होने वाली अप्रिय घटना पर रोक लगाई जा सके। 23 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है। श्रीगंगानगर के गांव 11 जी में गुरुद्वारे में लगी आग से यहां रखा सारा सामान जल गया, लेकिन पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब यहां से गायब था। यह आग बुधवार सुबह करीब 3 बजे लगी, जिसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन लोगों का कहना है कि कुछ अज्ञात लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने शक के बिना पर 2 अज्ञात लोगों को कब्जे में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। घटना से आसपास के लोगों में काफ़ी आक्रोश है, इससे उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचा है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग यहां पहुंच रहे हैं और खेद जता रहे हैं। घटना के बाद भी यहां पहुंचने वाले लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर एक नूर खालसा फौज के सदस्यों ने इस घटना को लेकर जिला कलेक्टर को संविधान और सिख मर्यादा का निरादर रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इसके सदस्यों ने बताया कि यह गुरुद्वारा अनाधिकृत तौर पर पीर की मजार पर बनाया गया था, जो गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां असंवैधानिक गतिविधियों का संचालन होता है, जिसके कारण यह घटना घटित हुई। यह गुरुद्वारा श्री अकाल तख्त के विरुद्ध बनाया गया है, इसलिए इन्होंने इस मामले की गहनता से जांच के लिए प्रशासन से सहयोग की अपील की है। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। राजनीतिक हलचल, जुर्म की दुनिया का सच, परमात्मा का ध्यान, अमरिंदर सिंह शिल्पी, मुखपाल सिंह गलत, परशन सिंह, हम पहुंचाएंगे आप तक। हम हैं बिकाना न्यूज। स्थान 1740 श्रोमणी पंथक अली बुढ़ा दल गुरद्वारा बुढ़ा जोड़ जिथे भाई सुखा सिंह भाई महताब सिंह हरिमंदर साहब के विचों पापी मस्से रंग का सिर वढ़ के 1740 इस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने बहादुरी ताज़ा करते हुए 18वां जोड़ मेला मनाया जा रहा है, जिस पहुँच रहे महान शख्सियत बाबा बलवीर सिंह बुढ़ा दल के मुखी समुचिया संगतों को बेनती की जाती है देशों विदेशों तक कि इस महान जोड़ मेले से 10 सितंबर पहुँच के अपनी हाजिया लगा के संगतों को बेनती कि नवे गुरुद्वारा निर्माण चल रहा है, अपने योगदान पा के खुशियां प्राप्त करो। तुमसे हो जोरी, तुम
रायसी नगर से 2 किलोमीटर दूर पदमपुर रोड पर गांव 12 पीएस में बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा, जो लोगों की आस्था का विशेष केंद्र है। यहां 1995 से लगातार अखंड पाठ किया जा रहा है और समय समय पर संगतों के सहयोग से कई कार्यक्रम किए जाते हैं। इस गुरुद्वारा की स्थापना 23 जून 1983 विच हुई, जो धन धन बाबा दीप सिंह शहीदी समर्पित है। इस गुरुद्वारा विखे 1995 तो लगातार श्री अखंड पाठ साहिबां दी संगतां वालों लड़ी चलती आ रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल दुष्कर्म मामले में जयपुर कोर्ट में पेश नहीं हुए और अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई 24 नवंबर निर्धारित की है। दुष्कर्म के मुकदमे को दाखिल दफ्तर कर देने के पुलिस के फैसले के खिलाफ दायर चुनौती याचिका पर जयपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 12 जून को निहाल चंद समेत सभी अभियुक्तों को नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन निहाल चंद पेश नहीं हुए। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक के जरिए उन्हें नोटिस तामील नहीं हुआ, क्योंकि केंद्रीय मंत्री बन जाने के बाद निहाल चंद दिल्ली में रहते हैं। श्रीगंगानगर से गांव जोगीवाला रोटावाली गांव की तरफ जाने वाली सड़क, जिसकी हालत काफी खस्ता बनी हुई है। इस सड़क के दोनों तरफ कच्चे खाले बनाए गए हैं और बीच में सड़क टूटी हुई है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। इस सड़क से रोजाना कई वाहन गुजरते हैं और लगभग 15 स्कूल बसें भी यहां से गुजरती है, लेकिन सड़क को अभी तक सही नहीं किया गया है। इस रोड की मरम्मत अभी तक नहीं की गई है। इस तरह से यह सड़क हर रोज एक बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वे प्रशासन को कई बार इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं। कई बार ग्रामीण धरने पर भी बैठे, लेकिन इस सड़क की केवल लीपापोती ही की गई। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव के दौरान यहां सभी नेता वोट मांगने आते हैं और झूठे आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी जीतने के बाद यहां नहीं आता और न ही अपने वादे पूरे करता है। ग्रामीणों के प्रशासन से यही मांग है कि प्रशासन उनकी समस्या की ओर ध्यान दे और इस सड़क की मरम्मत करवाए, जिसे एक बड़ा हादसा होने से रोका जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ। स्थान 1740 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ 1740 ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ 18ਵਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। रायसी नगर से 2 किलोमीटर दूर पदमपुर रोड पर गांव 12 पीएस में बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा, जो लोगों की आस्था का विशेष केंद्र है। यहां 1995 से लगातार अखंड पाठ किया जा रहा है और समय समय पर संगतों के सहयोग से कई कार्यक्रम किए जाते हैं। इस गुरुद्वारा की स्थापना 23 जून 1983 विच हुई, जो धन धन बाबा दीप सिंह शहीदी समर्पित है। इस गुरुद्वारा विखे 1995 तो लगातार श्री अखंड पाठ साहिबां दी संगतां वालों लड़ी चलती आ रही है।